काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर एक ऐसे कंटेंट पे वीडियो बनाओ जहाँ पे हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करें एंड उस पे व्यूज़ भी ज़्यादा आए और वहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी खासी और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो। तो ऐसे कंटेंट को लेकर के आ चुका हूँ जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एंड फुल्ली कॉपी पेस्ट मेथड होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बनोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि मैं इस वीडियो में किस कंटेंट के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहले यूट्यूब पर जैसे ही मैं सर्च करूँगा वाइल्ड एनिमल्स तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे एंड इनमें व्यूज़ लाखों करोड़ों में देखने को मिलेंगे। आपको 6 महीने पहले 16 लाख व्यूज़ देखने को मिल रहा है एंड इनमें कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं है। ठीक है, मैंने भी एक कंटेंट अपलोड किया है जिस पे मुझे भी कोई कॉपीराइट नहीं मिला है। और आप इस तरीके से कैसे वीडियो को अपलोड करोगे ताकि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम ना मिले? सबसे पहले आपको फिल्टर में आके क्रिएटिव कॉमन सेलेक्ट कर लेना है। अब आप सोचोगे क्रिएटिव कॉमन सेलेक्ट कर लिया तो कॉपीराइट तो आएगा नहीं, तो मैं आपको बता दूं आप कभी आजमा के देखना, अगर आप विदाउट नॉलेज क्रिएटिव कॉमन्स को यूज करके अगर आप वीडियो क्रिएट करते हो तो क्लेम आएगा। ठीक है, हो सकता है स्ट्राइक भी आ जाए, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें 100% आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो डाउनलोड कर लेनी है जो भी आपको अच्छा लगे। वीडियो डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, आप लोगों को भी कर लेना है। आप काइन मास्टर का यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि इसके फीचर्स काफ़ी आसान है और इससे वीडियोज़ को एडिट करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप लोगों को कैसे वीडियो एडिट करनी है आप ये देख सकते हैं, मैंने ये एक वीडियो एडिट करके जो अपलोड करी थी। ठीक है, तो आपको मैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ एंड प्ले करके भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, और इसे मैंने YouTube पे अपलोड भी किया है एंड इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया है। उसके बाद सबसे पहले आप इस तरीके के कंटेंट को किस तरीके से क्रिएट करना है, आप लोगों को किस तरीके से कॉपीराइट क्लेम से और स्ट्राइक से बचना है। सबसे पहले आप प्लस वाले आइकन पे आएंगे और 69 रेशो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने वीडियो डाउनलोड करी है ना उसे इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, अब वीडियो हमने डाउनलोड करी थी क्रिएटिव कॉमन से। ठीक है, एंड हमें उसे यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले वीडियो को ले लेता हूँ, ये वीडियो जो है मैंने डाउनलोड करी थी। तो इस वीडियो को क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसके ऑडियो में जाना है यानी कि इसके म्यूजिक में जाना है और यहाँ पे आपको इसको म्यूट कर देना है। ठीक है, ऑडियो को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने के बाद अब इसमें से ऑडियो जो है इसकी चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग एक काम और कर सकते हो। क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इसमें से बीच बीच के पार्ट कट कर सकते हो, जैसे कि आपको लगता है कि इस एनिमल को हमें आगे लेके जाना चाहिए या इसको आगे लेके जाना चाहिए, तो आप इस तरीके से भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हो कट करने के बाद। ठीक है, उसका जैसे कि यहाँ तक आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एडिटिंग सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ से इस वाले एनिमल का रोल खत्म होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कट लगाना है। तो जैसे ये है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक कट। ठीक है, तो आप लोगों को भी एक कट लगा लेना यहाँ से। उसके बाद आप दूसरे बार में जाओगे, यहाँ पर इस वाले एनिमल का रोल यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो हम इसे भी यहाँ से कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और एनिमल आया था, उसका रोल भी यहाँ से कब खत्म होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला एनिमल है तो यहाँ पे इसका रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से मतलब आपको सारा कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, जो आपको माइनस का आइकन दिख रहा है। ठीक है, इस पे आने के बाद आपके पास ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आपको इफेक्ट्स ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सिंपल इफेक्ट्स रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये मैंने रखता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे प्ले करें अगर इसको, तो आप देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एनिमेशन हमारा आया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और आगे आना है एंड इसमें भी इसी तरीके से एनिमेशन लगा देना है। आप लोगों को वही वर्क करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आप स्ट्राइक से कॉपीराइट क्लेम से बच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम उसी क्लासिक इफेक्ट पे एंड इसे ऐड कर देंगे। मतलब आपको पूरी वीडियो में इसी तरीके से ऐड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप जाके यूट्यूब लाइब्रेरी से विदाउट कॉपीराइट कंटेंट जो म्यूज़िक है उन्हें डाउनलोड कर लोगे, जैसे कि मैंने कर रखा है। तो मैं इसे यहाँ पर इंसर्ट कर लूँगा, आप लोगों को भी इसी के तरीके से करना है। ये म्यूज़िक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है वर्क जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एनिमल्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और काफ़ी सारे ऐसे नेचर लवर्स भी हैं जो कि इस तरह के कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर ये कंटेंट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी चलता है। अगर आप वॉइस ओवर करते हो तो आप कर सकते हो फनी वे में, मगर आपको वॉइस ओवर करना है ताकि जो है आप कॉम्पिटिशन को बीट कर सको। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स की वीडियोज़ तो बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, तो आपको अगर कॉम्पिटिशन को बीट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा यूनिक स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे फनी वे में इस वीडियो को आप प्ले कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक बार वॉइस ओवर करके दिखाऊं इसमें फनी वे में, तो आप एक बार सुन के देख सकते हो।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वॉइस ओवर कर लिया है, अब आपको वॉइस ओवर को यहाँ पे चेंज कर देना है अपने वॉइस को। यहाँ पर एक वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप यहाँ से क्या है किड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किड कर दिया, तो आप भी अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपनी वॉइस को चेंज ना करके आप इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कैसी एडिटिंग, यहाँ पे जैसे हम वॉइस चेंजर पे आते हैं और इसको कर देते हैं बिल्कुल नॉर्मल, एंड उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर, आपको स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसमें मिक्सचर पे, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा पिच कर देना, इसको प्लस टू कर देना है आपको, ठीक है, ताकि आपकी वॉइस चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया है। मैं अपनी वॉइस की जो है साउंड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, एंड जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लो कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं, आज का दिन तो बड़ा सुहाना है लेकिन क्या करें, कुछ खाना ही नहीं दिख रहा है, खाएं क्या, अरे कुछ तो दिख जाओ, कोई तो बाहर निकलो अपने घर से। मम्मी मम्मी भूख लगी है, बेटे देख बाहर तेरे ताऊ बैठे, खा जाएंगे, जाएगा तो बाहर, ठीक है, ऐसे कहीं नहीं जाते, खाएं खाएं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, अरे उधर देख, उधर उधर देख वो खड़ा। इसमें आप थोड़ी सी एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक थोड़े से फनी वे में आप इसमें कोई क्लिप्स ऐड कर सकते हो, मूवीज़ के जो भी फनी क्लिप्स होंगे, क्लिप्स ऐड करने के बाद कुछ ज़्यादा एट्रैक्शन बढ़ता है आपकी वीडियो के अंदर, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो एडिटिंग। एडिटिंग करने के बाद वॉइस ओवर दे देना है, वॉइस ओवर देने के बाद आपको सिंपली अपलोड कर देना है, अपलोड करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये प्रोसेस है वीडियो एडिटिंग करने का, इसे बिल्कुल अच्छे से समझना है आप लोगों को। अगर आपने स्किप करके देखा है बीच में तो आप लोगों को वापस जाके दोबारा से देखना है इस वीडियो को, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। और इस तरीके का चैनल 100% मोनेटाइज भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है यूट्यूब के जो इनकी गाइडलाइंस है उनके अंडर में काम कर रहे हैं, यूट्यूब की पॉलिसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा चैनल 100% मोनेटाइज होगा ही होगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, एंड यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम तो वैसे आएगा नहीं, ये 100% गारंटी की बात है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर रियल में आपको प्रूफ दिखाया है, जो कि मैंने खुद अपने एक चैनल पे इस तरीके का कंटेंट अपलोड किया है, और जो कंटेंट मैंने अपलोड किया था उसकी एडिटिंग भी आपको दिखाई थी मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजी वे में आप इस तरीके का काम कर सकते हो, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरीके से अपनी वीडियोस को एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखी हो अगर नहीं किया है तो कर दो, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ।